दिल्ली सरकार के मंत्रियों के खिलाफ सीबीआई और ईडी के एक्शन के बीच दिल्ली विधानसभा के सदस्यों के वेतन और भत्तों में 66% से ज्यादा की वृद्धि की गई। 17 मार्च से शुरू होने वाले दिल्ली बजट सत्र से पहले विधायकों और मंत्रियों के वेतन और भत्तों में 66% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई। दिल्ली सरकार के कानून विभाग की एक अधिसूचना के मुताबिक विधायकों को अब हर महीने 90,000 रुपए मिलेंगे, जो पहले 54,000 रुपए मिलते थे। सैलरी, पेंशन और भत्तों को बढ़ाने का प्रस्ताव दिल्ली विधानसभा में पिछले साल जुलाई में पास हुआ था। दिल्ली सरकार ने सीएम, मिनिस्टर, विधायकों, मुख्य सचिव, स्पीकर और विपक्ष के नेता की सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। राष्ट्रपति ने 14 फरवरी को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। विधायकों का मूल वेतन 12,000 रुपए मासिक से बढ़ाकर 30,000 रुपए और मंत्रियों का 20,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। दैनिक भत्ता भी 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया गया है। यही नहीं, इसके अलावा विधायकों को सालाना 1,00,000 रुपए यात्रा भत्ता मिलेगा, जो अब तक 50,000 रुपए था। दिल्ली के विधायकों को प्रत्येक कार्यकाल में लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल खरीदने के लिए भी 1,00,000 रुपए मिलेंगे। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत विधानसभा स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और नेता विपक्ष की सैलरी 1,70,000 रुपए हो गई है। अब बाकी राज्यों में विधायकों की सैलरी के बारे में भी जान लीजिए। तेलंगाना में विधायकों को 20,000 रुपए सैलरी मिलती है, लेकिन इसके साथ ही 2,30,000 रुपए का कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है। हिमाचल प्रदेश में विधायकों को 55,000 सैलरी, 90,000 रुपए कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, 1,800 रुपए डेली अलाउंस, 15,000 रुपए टेलीफोन अलाउंस और 30,000 रुपए सेक्रेटेरियल अलाउंस मिलता है। केरल में विधायकों को मात्र 2,000 रुपए सैलरी मिलती है और 25,000 रुपए कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है। आंध्र प्रदेश में विधायकों को 12,000 रुपए सैलरी मिलती है और 1,13,000 रुपए कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है। विधायकों को अब 14 फरवरी 2023 से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। दिल्ली में विधायकों की सैलरी 12 साल बाद बढ़ी है। विधायकों की बेसिक सैलरी 20,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है। दैनिक भत्ता 1,000 से बढ़ाकर 1,500 रुपए किया गया है। इससे पहले विधायकों को भत्ते और सैलरी मिलाकर हर महीने 72,000 रुपए मिला करते थे। आपके लिए ये जान लेना भी जरूरी है कि जुलाई 2022 में दिल्ली विधानसभा ने विधायकों और मंत्रियों की सैलरी में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास किया था। इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली सरकार के लॉ डिपार्टमेंट ने वेतन बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन जारी किया। अब तक दिल्ली के एमएलए वेतन भत्ते मिलाकर कुल 54,000 रुपए लेते थे, लेकिन अब 90,000 रुपए मिलेंगे। मंत्रियों और मुख्यमंत्री को अब तक 72,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब उन्हें प्रतिमाह 1,70,000 रुपए मिलेंगे। कह सकते हैं कि सीबीआई और ईडी के छापों के बीच और बड़ी कार्रवाई के बीच विधायकों की सैलरी बढ़ गई है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।